हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे किचन सोन चैनल में। और आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर जो है आलू को बॉयल कर दिया था, यहाँ पर उबाल दिए थे मैंने ये आलू। और आलू अच्छे से यहाँ पर उबल चुके हैं और काफ़ी गर्म हो रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर निकाल रही हूँ छबड़ी में आलुओं को। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली सब्ज़ी। जो आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी मिलती है वही यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ, रसीली सब्ज़ी, वो भी पूरी के साथ। तो यहाँ पर आलू को मैंने निकाल दिया था एक छबड़ी में, तो यहाँ पर अब मैं इनको छील रही हूँ। तो आलू काफ़ी गर्म गर्म हाथ में लग रहे हैं। और तो ये लंच के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो यहाँ पर सभी आलुओं को मैं इस तरह से छील दूँगी यहाँ पर, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में पूरी के साथ। और चाहे इसे रोटी के साथ भी खा लो, पर बट पूरी के साथ जो है बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। और आपने भंडारे वाली सब्ज़ी तो खाई होगी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी सी रहती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उसी तरह से ही ये सब्ज़ी यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर आलूओं को छील लिया था, तो आलू थोड़े ज़्यादा थे, तो कुछ आलू मैंने 3 से 4 आलू यहाँ पर निकाल दिए हैं। और बाकी आलूओं को मैंने यहाँ पर कुछ को ज़्यादा बारीक से मैश कर दिया, कुछ थोड़े मोटे छोड़ दिए हैं और मैश कर दिया है मैंने इनको आलूओं को हाथ से ही। और इधर मैं काट रही हूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर, और यहाँ पर मैंने इसको जो है टमाटर को काट दिया है पीसीज में। और यहाँ पर जो है मैं 4 से 5 जो है हरी मिर्च भी यहाँ पर काट दूँगी। और इधर मैंने जो ले लिया है पैन, और उसमें मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। आप चाहे कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर जब तेल गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया था मेथी दाना। तो मेथी दाना से इसमें छोंक और लगता है, तो बहुत ही टेस्टी यहाँ पर इसमें टेस्ट आता है बहुत ही। और यहाँ पर जो मैं मेथी दाना और जीरा चटक गया था, तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ ये टमाटर यहाँ पर डाल दिया था। और ऊपर से मैं इसमें डाल दी है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक। और नमक डालने से जो है ये जो टमाटर होते हैं एकदम से पक जाते हैं ये। और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर चला दिया 2 से 3 मिनट जो है इसको यहाँ पर मैंने पका लूँगी 3 से, जब तक टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर जो है टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, ताकि जो ये मैंने यहाँ पर मसाले डाले हैं हल्दी मिर्च नमक, और तो ये अच्छे से यहाँ पर पक जाए। और ऊपर से थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली है कसूरी मेथी, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यहाँ पर। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है 2 चम्मच दही, और ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह आलू की सब्ज़ी एक बार बनाकर देखिए भंडारे वाली, तो ये घर पर ही बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आपके बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी, घर में सबको पसंद आएगी। घर में कोई गेस्ट आए, कोई सब्ज़ी ना हो, तो झटपट से ये सब्ज़ी बना लो तो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर मैंने यहाँ पर आलूओं को इसमें डाल दिया था टमाटर के जब पक चुके थे, और फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट चला लिया था। और अब मैं यहाँ पर डाल दिया था पानी ग्रेवी के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही पानी यहाँ पर डालिए। तो आप देखते हैं भंडारे की सब्ज़ी थोड़ी पतली सी होती है पूरियों के साथ जब खाई जाती है तब, तो जब तो इस तरह मैंने यहाँ पर जो है पानी डाल दिया है, साथ में बारीक कटी हुई ये 4-5 मिर्च को मैंने चीरा लगा कर यहाँ पर डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक यहाँ कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है ऊपर से। और साथ में अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मसाला भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जितना पैकेट में था थोड़ा बहुत वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है गर्म मसाला, और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी को। तो ये चटपटी सी सब्ज़ी भंडारे वाली यहाँ पर अब मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तो जब तक ये सब्ज़ी यहाँ पर पकेगी, तो मैं इधर लगा लेती हूँ पूरियों के लिए आटा। तो आटा मैंने छान लिया था, इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो मैं आटे में नमक तो हमेशा ही डालकर ही मलती हूँ, चाहे रोटी हो या पूरी हो, पराठे हो, कुछ भी हो, तो मैं नमक डाल के ही आटा मलती हूँ। और थोड़ी सी मैंने यहाँ डाल दी थी हाथों से क्रश करके अजवाइन, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो इससे ये जो है पूरी बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पूरियों का। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच के करीब ऑयल इस यहाँ पर डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स करके और आटा जो है यहाँ पर मल दूँगी पूरियों के लिए। तो
वैसे तो और दिन में आटा पहले ही मल के रख देती हूँ, पर आज पूरियों के लिए आटा मलना था तो पहले मल के रख दो तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है आटा। तो यहाँ पर ढीले आटे की पूरी बनाओ तो थोड़ा जो है ऑयल ज़्यादा पीती हैं पूरियाँ, तो यहाँ पर मैं आज हाथों हाथ ही आटा लगा रही हूँ पूरियों का। तो यहाँ पर टाइट डो मैं यहाँ टाइट और सॉफ्ट डो यहाँ पर मैं जो है पूरियों के लिए मल कर तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं पानी डाल डाल के थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार ही यहाँ पर जो है मैं पूरियों के लिए आटा मल दूँगी यहाँ पर। तो इधर मेरी सब्जी भी यहाँ पर पक रही है और बड़ी खुशबू आ रही है उसमें सब्जी में, बिल्कुल सिंपल तरीके से छुपी हुई सब्जी है। और आपने देखा होगा भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है उसमें प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है पक के भंडारे वाली। तो देखिए क्या टेक्स्चर आया है, क्या कलर आया है इसमें, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। और इस तरह से आप भी एक बार घर में जरूर ट्राई करिए। और तो फ्रेंड्स आपको पसंद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो ज़रूर कीजिए। और ऊपर से मैंने यहाँ पर डाल दिया था काट के हरा धनिया और उसको चला लिया था। और इधर मैंने गैस बंद कर दी है सब्जी वाली, क्योंकि सब्जी पक चुकी है। और उधर मैंने दूसरी साइड गैस पर जो है मैंने कढ़ाई रख दी थी तो उसमें मैंने डाल दिया था रिफाइंड ऑयल पूरियों के लिए। आप चाहे कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है तो मैंने यहाँ रिफाइंड डाल दिया था। और इधर मैं छोटी जो है पेड़े से बना रही हूँ आटे के, तो ये जो है मैं इनको लोइयाँ बेल दूँगी पूरियों के लिए। जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म होगा तो मैं यहाँ पर जो है पूरियाँ बना लूँगी पतली पतली छोटी छोटी सी। तो ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में सब्जी के साथ। तो यहाँ पर जो है मैं पेड़े मैंने आटे के यहाँ पर बना लिए थे छोटे छोटे से, और इनको छोटी छोटी लोइयाँ मैं यहाँ पर पूरियों के लिए बेल रही हूँ। और इधर जो है ऑयल भी लगभग गर्म हो ही चुका है यहाँ पर, तो हल्का सा तेल लगाते हुए मैं यहाँ पर इसको छोटी छोटी जो है पूरियाँ यहाँ पर बेल रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह आप भी जो है पूरियाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रोटियों के साथ भी इसको खा सकते हैं सब्जी को, बट ये पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरियों को बेल दिया है और ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने पूरी डाल दी है यहाँ पर तलने के लिए। तो यहाँ पर जो है पूरियाँ जो है सिक रही हैं तेल में अच्छे से। यहाँ पर इसको मैं गोल्डन कर दूँगी दोनों साइड से। तो यहाँ पर देखिए जो है पूरी बन चुकी है, अच्छे से कलर आ चुका है पूरी में। तो यहाँ पर पहली पूरी बन चुकी है। इस तरह से मैं यहाँ पर सारी पूरियों को उलटते पलटते हुए अच्छे से करारा करारा करके सेक लूँगी। तो करारी करारी पूरियाँ जो है सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आपको ये रेसिपी जरूर ही पसंद आएगी अगर आप इस तरह से आलू की सब्जी घर पर ही बनाएंगे। और आपने देखा होगा कहीं भी भंडारा होता है तो मतलब बड़ी चाह हो जाती है कि हम सब्जी पूरी खाएं, और कभी कभी मन में इच्छा हो जाती है कि सब्जी भंडारे वाली चलो बना लेते हैं। तो वही सब्जी मैंने आज बनाई है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर में। और यहाँ पर जो है इसी तरह से मैंने एक एक करके जो है पूरियाँ यहाँ पर बेल दी है गर्म गर्म सी। तो देखिए जब पूरियों में अच्छा सा जो है पूरियाँ सिक चुकी हैं, इनमें गोल्डन गोल्डन सा जो है इनमें कलर आ चुका है, तो मैंने इनको जो है निकाल रही हूँ मैं पूरियों को अच्छे से दोनों साइड से सेक सेक के। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। तो मैंने पूरियाँ जो है जब बना रही थी तभी प्लेट में रखती चली गई थी एक एक पूरी। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी निकाल दी है, ये भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी, साथ में अचार भी रख दिया था। तो आज की लंच थाली में यही बनाया था मैंने, भंडारे वाली सब्जी आलू पूरी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।